जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इंडियन नेवी SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी कि AA 2020 फरवरी बैच के रिजल्ट अपलोड हो गए हैं वेबसाइट के ऊपर। तो क्या है स्टेट वाइज कट ऑफ, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और सबसे कम यानी कि 8 मार्क्स कट ऑफ कौन से स्टेट का आया है, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा यही डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपको पेपर को क्लियर करने के लिए आपको हर एक सेक्शन में कम से कम 2 नंबर लाने थे। आपके 4 सेक्शन होते हैं SSR और AA के अंदर, और आपको हर एक सेक्शन के अंदर कम से कम 2 नंबर लाने थे। अगर किसी छात्र के 2 नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी एग्ज़ाम फेल हो जाएगी, जबकि उसने 40 नंबर भी स्कोर किया होगा तो भी उसकी एग्ज़ामिनेशन फेल डिक्लेयर करा दी जाएगी। तो यानी कि आपको हर एक सेक्शन में कम से कम 2 नंबर लाने थे। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं क्या रहा इस बार का कट ऑफ 2020 के फरवरी बैच का SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का। तो ये है दोस्तों कुछ राज्यों के कट ऑफ जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, ये SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के कट ऑफ हैं। तो उत्तर प्रदेश का इस बार का कट ऑफ रहा है दोस्तों 42.50, बिहार का इस बार का कट ऑफ रहा है दोस्तों 40 मार्क्स, आसाम का 17 नंबर रहा है इस बार का कट ऑफ जो कि पिछले के मुकाबले के आसपास ही था, पिछली बार भी 17 ही था कट ऑफ। हरियाणा का इस बार कट ऑफ दोस्तों कुछ ज़्यादा ही आया है, ये है 57.25 जो कि लास्ट टाइम अराउंड 52 के आसपास था। अगर हम बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात के इस बार कट ऑफ रहा है दोस्तों 20 नंबर, यानी कि आप 100 में से अगर 20 नंबर स्कोर कर लिए हैं तो आप कट ऑफ के ऊपर आ गए हैं। जबकि इस बार का राजस्थान का कट ऑफ अगर देखा जाए दोस्तों तो ये पिछले के मुकाबले बिल्कुल सेम कट ऑफ ही है, पिछली बार भी इतना ही कट ऑफ था इसका लगभग। तो राजस्थान का इस बार कट ऑफ रहा है दोस्तों 22.25, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के कट ऑफ भी 1 नंबर से ज़्यादा है, पिछली बार 25.75 था ये कट ऑफ, इस बार 26.75 रहा है मध्य प्रदेश का SSR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का कट ऑफ। जबकि हम बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र त्रिपुरा के जैसे राज्यों की, तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो नॉर्थ साइड हमारे जो स्टेट होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे SSR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भरते हैं, तो इस बार नॉर्थ साइड के कट ऑफ ज़्यादा ही आए हुए हैं। जबकि हम बात करते हैं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र का कट ऑफ 25.25 है जो कि पिछले मुकाबले 19 नंबर था पिछली बार महाराष्ट्र का। जबकि हम बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा की तो आप त्रिपुरा में देख सकते हैं सिर्फ 8 मार्क्स था कट ऑफ इंडियन नेवी SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का, जो कि सबसे कम है। बिकॉज त्रिपुरा जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड के जो भी राज्य हैं उनके कट ऑफ आपको कम ही देखने मिलेंगे, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर अवेयर नहीं होते हैं और कुछ ही बच्चे अवेयर होते हैं, तो यानी कि जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। और जैसा कि आपको पता है कि SSR का जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेट वाइज उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उत्तराखंड का कट ऑफ भी 39 है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारे नॉर्थ स्टेट हैं, जो भी हमारे नॉर्थ के यहाँ पे जो भी स्टेट्स आते हैं उनकी कट ऑफ आपको ज़्यादातर ही देखने मिलेगी। जबकि आपके अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट की कट ऑफ हमेशा ही कम रहती है। तो ये त्रिपुरा का इस बार का सबसे कम कट ऑफ है दोस्तों 8 नंबर। दोस्तों आप में से बहुत लड़कों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं तो भी हमारा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, तो इसका क्या राज है? दोस्तों इसका कोई राज नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो मेरिट लिस्ट बनता है, हालांकि PFT के लिए भी जो हमको जो बुलाया जाता है उसके लिए भी जो हमको एडमिट कार्ड दिया जाता है वो भी होता है दोस्तों स्टेट वाइज, तो आपकी जो स्टेट की वैकेंसी होगी यानी कि जितने बच्चों ने पेपर को क्लियर किया होगा वो इस बार ज़्यादा बच्चों ने पेपर क्लियर किया होगा, हालांकि जो सेंटर पे जितने सीट्स अवेलेबल होंगे उसमें आपके नंबर कम होंगे, तो इसीलिए आपके नाम नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो यही एक स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है और कोई रीज़न नहीं हो सकता है।